Hello students, good afternoon everyone and how are you? I hope students here all are safe at your home and are taking the precautions regarding coronavirus. Student, in this lecture we are going to learn Hindi subject. Hindi subject में हम देखेंगे निबंध लेखन. तो निबंध लेखन यह प्रश्न हमें परीक्षा में पूछा जाता है. यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि निबंध लेखन हमें 7 मार्क के लिए पूछा जाता है और हमें 5 विषय दिए जाते हैं. उनमें से एक विषय पर हमें निबंध लिखना होता है. तो ये प्रश्न ज़्यादा मार्क्स के लिए होता है तो हमें अच्छी तरह से लिखना जरूरी है. तो किस निबंध लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए आज हम देखेंगे. पहला ही निबंध का चुनाव. निबंध हमें 100 से 80 शब्दों में पूछा जाता है. हमें निबंध लिखते समय 5 विषय दिए जाते हैं. उनमें से 21 विषय पर हमें निबंध लिखना होता है. तो निबंध का चुनाव, तो हमें जब हम निबंध लिखेंगे तो हमें अच्छे तरह से उसे चुनना चाहिए कि किस विषय में हमें बहुत जानकारी है. तो 5 विषय हमें अच्छे तरह से रीड करना चाहिए और इसके बाद हमें एक विषय पर निबंध लिखना चाहिए. कई बार क्या होता है, हम कुछ विचार नहीं करके हम क्या करते हैं, निबंध चुन लेते हैं और वहाँ पर लिखना शुरू करते हैं. एक पैराग्राफ खत्म होने के बाद हमें उस विषय के बारे में कुछ विचार नहीं आते हैं. तो हमें क्या आगे क्या लिखना चाहिए, फिर हम उसी विषय को निबंध को वैसे रखते दूसरा निबंध लिखना शुरू करते हैं. तो हमें ऐसे करना नहीं चाहिए क्योंकि उसी में हमारा क्या होगा, बहुत सारा समय जा सकता है. तो इसलिए निबंध लिखते समय अच्छी तरह से हमें विषय को चुनना चाहिए. इससे हमारे समय की बचत होगी. वह विषय चुनने समय हमें ऐसे चुनने चाहिए कि उस विषय में हमें बहुत जानकारी होनी चाहिए. ओके. और दूसरा है रूपरेखा का विस्तार. मतलब निबंध लिखते समय हमें विषय चुनने के बाद उस विषय में हमें कौन कौन सी पॉइंट्स डालना है, पॉइंट्स के बारे में लिखना है, वो हमें क्या करना है, उत्तर पत्र के जो पीछे हम जहाँ पर वर्क करते हैं वहाँ पर हमें पॉइंट्स लिखने चाहिए और पॉइंट्स को हमें अच्छी तरह से क्रम देना चाहिए. सीक्वेंस वाइज हमें पॉइंट्स निबंध लेखन में प्रेजेंट करना चाहिए. ऐसे नहीं कि जो लास्ट में होना चाहिए वो आगे आ गया, तो इस तरह भी नहीं लिखना चाहिए. और निबंध लिखते समय प्रारंभ मतलब इंट्रोडक्शन, जो निबंध हम लिख रहे हैं उसके बारे में हमें हमारी जो प्रस्तावना है, प्रारंभ मतलब हमें उसमें प्रस्तावना लिखनी है, तो बहुत आकर्षक होनी चाहिए. और प्रारंभ करते समय डायरेक्टली हमें विषय के बारे में नहीं लिखना चाहिए. तो उस विषय के पहले हमें थोड़ी सी प्रस्तावना करना जरूरी है. दूसरा है मध्य भाग. मध्य भाग ये महत्वपूर्ण है. तो मध्य भाग हमें 2 से 3 पैराग्राफ में तो लिखना चाहिए और मध्य भाग में हमें विषय के सविस्तर और ब्रीफ में हमें उसे एक्सप्लेन करना है. दूसरा है अंत. जो हमारा अंत है निबंध का कैसे होना चाहिए, बहुत आकर्षक होना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए. और अंत में जो हम निबंध लिख रहे हैं उसका तात्पर्य, मतलब पूरे निबंध का तात्पर्य या व्यक्ति वहाँ पर करना चाहिए. इस तरह से हमें निबंध 3 प्रभाग में लिखना चाहिए. फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन, सेकेंड में पूरे सविस्तर हमें इसे लिखना चाहिए और शॉर्ट में हमें कंक्लूजन मतलब तात्पर्य हमें लिखना चाहिए. इस तरह से हमारे निबंध का प्रस्तावना होनी चाहिए. कई बार क्या होता है, हम 2-2 पेज निबंध लिखते हैं फिर भी हमें टीचर क्या करते हैं, कम मार्क्स देते हैं. तो हम समझ में नहीं आते हमें क्यों मार्क्स मिले, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि जो विषय होता है हम विषय को छोड़ के दूसरा ही कुछ लिख देते हैं. तो हमें वैसे नहीं करना चाहिए. जो हमारा विषय है उसी विषय को विषय के अनुसार ही हमें क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए. मतलब विषय के रिलेटेड ही हमें सब लिखना चाहिए. ओके. और विषय निबंध लिखते समय हमें कुछ बातें और ध्यान रखनी चाहिए. जो है व्याकरण. व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है. निबंध लिखते समय हमें जो काना मात्रा होता है, काना मात्रा वेलाइट को अच्छी तरह से लिखना चाहिए. व्याकरण में हमें जो
सीखा है पंक्चुएशन मार्क, विराम चिन्ह, तो हमें जहाँ पर विराम चिन्ह की जरूरत है वहाँ पर हमें विराम चिन्ह का भी उपयोग करना चाहिए। अच्छी तरह से हमें निबंध लिखना चाहिए और ग्रामेटिकली हमारा निबंध करेक्ट होना चाहिए। निबंध में व्याकरण को बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो हम जब हमने बहुत सारा निबंध लिखा, दो पेज निबंध लिखा, बस लेकिन जो शब्द है हमारे वो करेक्ट नहीं होंगे तो क्या कर सकते हैं मेरा टीचर रेड रेड कर देंगे, हमें कम मार्क्स मिलेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, व्याकरण पर ध्यान देना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए। रीडिंग करने से हमारे ग्रामेटिकली शब्द हमें समझ में आते हैं और उस शब्द के किस तरह से लिख रहे हैं हमें समझ में आता है, उस शब्द की कारण मात्रा हमें समझ में आता है। तो पढ़ते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए और लिखते समय भी हमें वहाँ पर देखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करने से हमें मतलब हमारे जो टेक्स्ट बुक है टेक्स्ट बुक के अलावा हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करना ज़रूरी है, तभी हमें हमारे जो विषय है उसके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। दूसरा है वाक्य सरल और स्पष्ट। जो हम वाक्य सेंटेंस लिख रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, सरल और स्पष्ट होने चाहिए, समझ में आना चाहिए। लिखते समय हमें कोई शब्द नहीं याद आ रहा है तो उससे रिलेटेड पर्यायी शब्द मतलब समानार्थी शब्द हमें जल्दी से ध्यान में आकर हमें वो लिखना चाहिए और हमारे जो वाक्य है वो कैसे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। दूसरा है नेक्स्ट वन पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब कई बार बच्चे क्या होते हैं वही सेंटेंस घुमा फिरा कर वही वही बार बार लिखते हो और ऐसे ही बढ़ाते, तो हमें वैसे नहीं करना चाहिए। एक ही सेंटेंस हमें बार बार नहीं लिखना चाहिए, जैसे दिवाली के बारे में लिखते मेरा प्रिय त्यौहार दिवाली है, फिर बार बार लिखते मेरा देवघर बनी, मतलब एक ही सेंटेंस हमें बार बार नहीं लिखना चाहिए। ओके, और निबंध लिखते समय हमें पंक्तियाँ मतलब विषय के अनुसार हमें कुछ पंक्तियाँ आती होंगी तो पंक्तियाँ इस्तेमाल करने, कहावतें उदाहरण हमें वहाँ पर इसका प्रयोग निबंध हमें लिखते समय करना चाहिए। और दूसरा है लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए, और लिखावट जब हम निबंध लिखते हैं तो कैसे होना चाहिए, सुंदर लिखने की सुंदर होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। अच्छी हैंडराइटिंग में शुद्ध हैंडराइटिंग में हमें निबंध लिखना चाहिए, उस तरह उसे अच्छी तरह से प्रेजेंट करना जरूरी है। जैसे पैराग्राफ हमें लिखना जरूरी है, पैराग्राफ करते समय सभी पैराग्राफ एक के नीचे एक अच्छे से आना चाहिए, जहाँ पर विराम चिन्ह की जरूरत है वहाँ पर विराम चिन्ह लिखना जरूरी है, एग्जाम्पल देना जरूरी। इसी तरह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा निबंध आकर्षक और प्रभावशाली हमें करना जरूरी है। और कई बार हमें निबंध मतलब स्टार्टिंग में नहीं लिखना है क्योंकि हम निबंध लिखने में बहुत सोचते हैं तो हमारे वहाँ पर समय बहुत जा सकता है, या अंत में नहीं लिखना है कि जहाँ पर हमें टाइम बहुत कम है और बहुत और कुछ जल्दी जल्दी लिखना है, कुछ समझ कभी भी हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो हमें मोस्टली निबंध बीच में लिखना चाहिए। 2 घंटे के शुरुआत में हमें निबंध लिखना चाहिए, मतलब ज़्यादा जल्दी मतलब शुरुआत में ही या अंत में हमें निबंध नहीं लिखना है, बीच में हमें निबंध लिखना है। और बहुत सारा टाइम हमें सिर्फ निबंध लेखन में ही नहीं वेस्ट करना है क्योंकि हमें बाकी का पेपर भी कवर करना होता है, इसलिए निबंध लिखते समय विषय को अच्छी तरह से चुनना है और चुनने के बाद हमें उसमें विषय में उस निबंध में कौन कौन से पॉइंट के बारे में लिखना है वो हमें पहले से तैयार रखना, मतलब पॉइंट लेकर हम क्या कर सकते हैं जल्दी जल्दी हमें हम लिख सकते हैं, तो हमें पॉइंट्स बनाना जरूरी है। और जो हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो कैसे सीक्वेंस वाइज क्रम और अच्छे से होने चाहिए, और हमारा निबंध ग्रामेटिकली शुद्ध होना चाहिए और हमारी जो लिखावट है वो स्वच्छ होने चाहिए, इस तरह से हमें निबंध लिखना चाहिए। तो निबंध में कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं 5, वर्णात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, चौथा है कल्पनात्मक कल्पना प्रधान निबंध और आत्मकथनात्मक निबंध। ओके, वर्णात्मक निबंध, वर्णात्मक मतलब हमें यहाँ पर क्या करना होता है, वर्णन करना होता है जो हमारे आजू बाजू में चीज़ें हैं, किसी मतलब निबंध लेखन में हमें किसी व्यक्ति के बारे में
वस्तु स्थान के बारे में हमें क्या करना होता है, वर्णन करना होता है। पशु पक्षी स्थान वस्तु व्यक्ति इनका हमें क्या करना होता है, वर्णन करना होता है। इसलिए आप कभी भी वहाँ पर जाते हो तो उनका ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। जैसे आप बगीचे में जाते हो तो उस बगीचे का नाम क्या है, वो कितने बार कितने बजे खुलता है, बंद होता है, उस बगीचे में कौन कौन से फूल है, वो हमें पता होना जरूरी है। मतलब हमारा वर्णन कैसे पावरफुल होना चाहिए। तो वर्णन निबंध में कहा जाता है राष्ट्रीय पक्षी मोर, तो मोर के बारे में पूछा गया तो हमें मोर के बारे में जानकारी होना जरूरी है। और हमें सब जानकारी कहाँ से मिल सकती है, हमेशा हमें क्या करना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए। हमारी जो टेक्स्ट बुक है टेक्स्ट बुक के अलावा हमें दूरदर्शन रीडिंग करना जरूरी है। कभी हमारे उस सब विषय में हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध में क्या होते हैं, जो ऐतिहासिक पौराणिक प्राचीन या जो घटनाएं हुई है उसके बारे में हमें लिखना होता है, किसी का जीवन चरित्र हमें लिखना होता है, तो उसके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। दूसरा है विचारात्मक निबंध। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर विचारात्मक, मतलब किसी विषय पर हमें उसके गुण और दोष के बारे में हमें लिखना होता है। जैसे विज्ञान वरदान या शाप, अच्छा या बुरा, इसके बारे में हमें लिखना होता है। तो हमें दोनों अच्छी तरह से प्रेजेंट करना आना चाहिए। बौद्धिक विवेचन की प्रधानता होती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें विचारात्मक निबंध लिखना होता है। दूसरा है कल्पना प्रधान इमेजिन, मैं कल्पना प्रधान निबंध में जो रियलिटी है वह हमें लिखना नहीं, तो इमेजिन आप कर रहे हो इस तरह से हमें लिखना चाहिए। जैसे जैसे यदि मैं शिक्षा मंत्री हुआ, तो आप शिक्षा मंत्री होने के बाद, आप नहीं हो लेकिन आप होने के बाद क्या क्या करना चाहते हैं, इमेजिन करके हमें क्या करना होता है, निबंध लिखना होता है। जैसे यदि बरसात ही नहीं होगी तो क्या क्या हो सकता है, उस बारे में हमें लिखना चाहिए। दूसरा है आत्मकथनात्मक निबंध। आत्मकथनात्मक मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति है वस्तु है या उनके जीवन की घटनाएं के बारे में हमें या अनुभूति के बारे में हमें लिखना होता है। आत्मकथन लिखते समय ऐसे लिखना है कि जैसे कहीं वो आप ही हो। जैसे एक वृक्ष की आत्मकथन, जब आप लिखोगे एक वृक्ष की आत्मकथन तो वृक्ष की तरह से नहीं, तो ऐसे समझना है कि वृक्ष कौन हो, आप ही हो। जैसे मैं वृक्ष हूँ, आपको क्या चाहिए से लिखना होता है। ओके, जैसे एक भिखारी की आत्मकथा, तो मुझे भिखारी बोला उसने खाया से नहीं, तो आप खुद एक भिखारी हो इस तरह समझ के हमें क्या करना होता है, लिखना जरूरी होती है। मतलब खुद को महसूस करके हमें आत्मकथनात्मक लिखना निबंध लिखना होता है। आई होप स्टूडेंट्स अंडरस्टूड कि हमें निबंध लिखना कैसे है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें निबंध लिखते समय नहीं को बिताना चाहिए, मतलब वहाँ पर एक पूरा ध्यान देना नहीं चाहिए। निबंध हमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में हमें क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। और निबंधों को अच्छी तरह से उसका चुनाव करना चाहिए, जिस विषय में हमें बहुत सी जानकारी है, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, उसी विषय को हम कुछ आकर्षक प्रभावशाली हमें निबंध लिखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपके सामने एक निबंध पढ़ूंगी। ओके, यदि मेरे पंख होते तो ये कौन सा निबंध होता है, कल्पना प्रधान। मतलब हमें इमेजिन करना है कि हमें कि आपको पंख होते तो क्या होता, और निबंध लिखते समय हमें डायरेक्टली आपको पंख होते तो आप क्या करते, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। तो स्टार्टिंग में आपको क्यों पंख चाहिए, प्रॉब्लम्स क्या है उसके बारे में लिखना चाहिए, उसके बाद हमें पंखों की क्यों ज़रूरत है लिखना चाहिए। तो क्या कर लिख सकते हो आप,
पार्ट्स निकालने चाहिए। यदि आपको पंख होते, यदि मुझे पंख होते तो आपका घर जी भर कर आकाश की क्या करते, सैर करते। यात्रा की टिकट, वाहन, यदि की झंझट नहीं होती, इस तरह के सब लिखना जरूरी है। प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन होते, दूर के मित्रों और रिश्तेदार से मिलना होता, पीड़ितों को शीघ्र मदद, अनेक प्रकार की सुविधा मिलती। इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, निबंध के पॉइंट्स निकालने चाहिए, उसके बाद हमें निबंध लिखना चाहिए। अभी निबंध पढ़ते हैं। निबंध का नाम है यदि मेरे पंख होते। जब मैं अनंत आकाश में पक्षियों को उड़ते देखता हूँ, मेरा दिल गगन विहार के लिए मचल पड़ता है। तब मैं सोचता हूँ, काश मेरे पंख होते। सचमुच यदि मुझे पंख मिले होते तो मैं भी आकाश में ऊंची ऊंची उड़ाने भरता, तूने में पक्षियों से होड़ लगाता, आकाश की नीलिमा को अपनी आंखों में भर लेता। ऊंची उड़ाने भरते समय बादल भी मुझे छूते हुए आगे बढ़ जाते। इंद्रधनुष के रंगों को मैं बहुत निकट से देख पाता। मैं चांद सितारों तक पहुंचने की भी प्रयत्न करता। आज यात्रा संबंधी कठिनाइयां बहुत बढ़ गई हैं। मेरे पंख होते तो यात्रा करना मेरा खेल हो जाता। न टिकट का झंझट और न आरक्षण का झंझट, कोई तकलीफ न होती। रास्ते में नदी, पहाड़, कोई भी मुझे रोक नहीं पाते। उड़ते उड़ते थक जाता तो किसी पेड़ पर बैठकर विश्राम कर लेता। पेड़ पर फल होते तो उनमें से अपनी भूख शांत कर लेता। मुझे प्रकृति से बेहद लगाव है। यदि मेरे पंख होते तो मैं धरती स्वर कश्मीर पहुँच जाता। वहाँ फूलों की घाटियों में मन चाहिए सैर करता। जब इच्छा होती तब गोवा के सुंदर बीच पर पहुँच जाता। कन्याकुमारी और काबू के सूर्यास्त के मनोहर दृश्य देखा था। मेरे कोई मित्र बहुत दूर रहते हैं, वे मुझे अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाते हैं, पर दूर होने के कारण मेरे लिए जाना संभव नहीं होता। मेरे पंख होते तो उड़कर झट से उनके यहाँ पहुँच जाता और उनके जन्मदिन की खुशियों में शामिल हो जाता। बीमार मित्रों से मिलकर उनका हालचाल पूछता। दूर शहर में रहने वाले मेरी दीदी रक्षाबंधन के अवसर पर मुझे डाक द्वारा राखी भेजती है। मेरे पंख होते तो मैं राखी के दिन उड़कर दीदी के पास पहुँच जाता और उससे राखी बंधवा लाता। उन्हें की शक्ति होने में दुर्घटना में फंसे लोगों की तत्काल सहायता करता। बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक प्रकोपों के समय संबंधित स्थान पर पहुँच कर पीड़ित जनों की मदद करता। मैं दवाएं तथा अन्य उपकरण जल्दी से पहुँच कर पीड़ित लोगों के कष्ट दूर करने में योगदान करता। इसी प्रकार पंख होने पर मुझे बड़ी सुविधा रहती। कहीं आने जाने में पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं स्कूल भी उड़कर पहुँच जाता। माँ बाजार से सामान मंगवाती तो उड़कर फौरन ले आता। मनुष्य के पंख होने की कल्पना करने में भी कितना आनंद है। इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, निबंध लिखना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स ये अंडरस्टूड कि हमें निबंध लिखते समय कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए और किस तरह से निबंध लिखना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स ये अंडरस्टूड।